और मेरा अब का ये जो क्यू एन ए सेशन है इसका लास्ट क्वेश्चन टिकेश्वर निषाद जी हैं, इन्होंने पूछा है कि हिंदू मुस्लिम करना कब छोड़ोगे आप। अब इसका एक वाक्य के अंदर उत्तर देना चाहूं तो जिस दिन हिंदुओं के प्रति घृणा दिखना बंद हो जाएगा और उसके अंदर उसके विरोध में किसी मलेच्छ का हाथ नहीं होगा उस दिन हम हिंदू मुस्लिम करना छोड़ देंगे। जिस दिन हिंदुत्व को लेकर गाली देने की भावना आपके मन के अंदर से हट जाएगी उस दिन से हिंदू मुस्लिम करना छोड़ देंगे। जिस दिन से सनातन धर्म के भगवान को लेकर उनका मजाक उड़ाना बंद हो जाएगा उस दिन से हम हिंदू मुसलमान करना छोड़ देंगे। जिस दिन से सनातन के इतिहास को माना जाएगा उसे माइथोलॉजी कहकर उसका अपमान नहीं किया जाएगा उस दिन से हिंदू मुसलमान करना हम छोड़ देंगे। जिस दिन से इस देश को आप लोग अपनी मातृभूमि समझ कर इस देश को पूजन करोगे उस दिन हम हिंदू और इस्लाम का विरोध नहीं करेंगे। जय हिंद सनातनियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल आशुतोष झा थॉट्स के अंदर। हमारी जर्नी काफी पहले से स्टार्ट हो चुकी थी और आप लोग मुझसे काफी ज्यादा क्वेश्चंस कर रहे थे कि आपके अपने पर्सनल लाइफ के एक्सपीरियंस को हमें शेयर करिए, आप कहां से हो, क्या करते हो और इतने सारे नॉलेज कहां से लाते हो और ये सारी चीजें हमें यूट्यूब पे बताते हो। इंस्टाग्राम के डीएम से लेके कमेंट सेक्शन तक सारे क्वेश्चन ऐसे ही पूछे गए, तो मैंने सारे कुछ क्वेश्चन के कॉमन क्वेश्चन निकाले और उन कॉमन क्वेश्चन का आपको आंसर देने का पूरा ट्राई करूंगा इस क्यू एन ए सेशन का। इससे पहले भी मैंने चाहा था कि Q&A सेशन कर लूं 10,000 सब्सक्राइबर के साथ, लेकिन उसके बाद हम लोग अचानक से बढ़ने लगे और अचानक से बढ़ने के बाद हमारा जो जर्नी है वो 50,000 प्लस फॉलोअर्स के साथ चल रहा है। इंस्टाग्राम पे 45,000 और यूट्यूब पे लगभग हम लोग अभी 57,000-58,000 होने वाले हैं। तो ये हमारा पहला Q&A सेशन है और इस Q&A सेशन के अंदर आप भी जानते हो कि बहुत से क्वेश्चंस आए हैं, तो सारे क्वेश्चंस मैं पिक नहीं कर पाऊंगा, उसके लिए सबसे पहले क्षमा मांग लेता हूं। और जिनके क्वेश्चंस यहां पर कॉमन थे उसी क्वेश्चन को हमने पिक किया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी प्यारी जर्नी का पहला Q&A सेशन। सबसे पहला और कॉमन क्वेश्चन मुझसे पूछा जाता है, उसमें से एक भाई ने मुझे पूछा है जिनका नाम है गौरव प्रतीक। ये पूछ रहा है कि ब्रो व्हाट्स योर क्वालिफिकेशन एंड व्हिच स्ट्रीम यू ऑप्टेड आफ्टर क्लास 10th। वेल, मैं आप लोग को उससे भी पहले की बातें बता देता हूं कि जैसा कि मेरा जन्म जो है वो बिहार मिथिलांचल में हुआ है, दरभंगा में हुआ है और मैं एक मिथिला बाबू हूं। हमारे गांव वालों को मिथिला बाबू कहा जाता है, मिथिलावासी कहा जाता है। बहुत से लोग कंफ्यूज थे कि आखिरकार भाई तू है कहां से, बिहार से है या फिर महाराष्ट्र से है, कारण कि मतलब मराठी पण बोलता है थे, हमारा मैथिलियो बाजा भैया, हम हिंदी भी बोल लेते हैं, इंग्लिश तो भाई बोल ही लेते हैं, संस्कृत भी अच्छे से आ ही जाती है। तो मेरा जन्म जो है वो मैं अपने गांव बिहार में हुआ है और जो मेरी कर्म भूमि है वो महाराष्ट्र में हुई है। तो कई बार ऐसा हो गया कि मैं बिहार से महाराष्ट्र आया, वो रीजन काफी अलग अलग है, मैं आपको किसी दिन पक्का बताऊंगा और एक बड़े पैमाने पर जाने के बाद वो सारी स्टोरी भी आपको पता चली जाएगी। तो बिहार से महाराष्ट्र में आने के बाद मैंने अपने पढ़ाई शुरू किया जो कि मराठी मीडियम से था, एक साल मराठी मीडियम में, फिर वापस बिहार चला गया, फिर वहां पे हिंदी मीडियम में, फिर यहां पर आया, फिर मराठी मीडियम में, फिर हिंदी मीडियम में, ऐसा करते करते मेरा 10th कैसे वैसे हो गया। लेकिन मुझे मराठी तब तक ठीक से नहीं आती थी क्योंकि मराठी काफी प्यारी लैंग्वेज है लेकिन सीखने में उतनी ज्यादा हार्ड है, लेकिन अगर आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो सीख जाओगे। तो 10th के बाद मेरी कंडीशन ऐसी थी कि मैं कहीं पर भी एडमिशन नहीं ले सकता था, मेरे पास उतने पैसे भी नहीं थे और उसी टाइम पे मैं स्पीच भी करा करता था, स्पीच कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया करता था, मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद था स्पीच कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना मेरे स्कूल्स में। उसके बाद मैं साइंस एग्जीबिशंस में अच्छा था तो मैंने नेशनल लेवल साइंस एग्जीबिशंस में भी पार्टिसिपेट किया, स्टेट लेवल चैंपियन भी रह चुका हूं। तो ये अपनी तारीफ करना बंद करता हूं और आगे बताता हूं कि 10th के बाद मेरे पास एडमिशन के लिए पैसे नहीं थे तो मैंने एक गाँव में एक आश्रम स्कूल देखा जहाँ पर 11th-12th स्टार्ट ही हुआ था। एक छोटा सा कमरा था, उस कमरे के अंदर चार टीचर आते थे, दो क्लासरूम थे तो चार टीचर जो थे वो पढ़ाते थे, उसमें गांव के ही बच्चे जाया करते थे। तो मेरे माता पिता जो थे वो एक होटल में ही काम करते थे, तो होटल में जहां काम करते थे वो मेरे लिए पास पड़ता था, तो मैंने उस कॉलेज में जाकर एडमिशन लिया जो कि मुझे फ्री में मिला। उस आश्रम में जाने के बाद मैं कभी क्लासरूम में नहीं गया स्टार्टिंग के 4-5 महीनों के लिए क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस और गुस्से में था क्योंकि मैं अचानक से इतने ज़्यादा गांव वाले स्कूल में चला गया जहां मैं नहीं पढ़ना चाहता था बिल्कुल भी और मन नहीं करता था पढ़ने का। तभी मेरी लाइफ पर एक टर्निंग पॉइंट आया कि मुझे अपने धर्म के बारे में पढ़ना है और उस तभी मैंने रामायण महाभारत पढ़ना स्टार्ट किया था। तो 10th के बाद मैंने कॉमर्स लिया जो कि मुझे लेना था साइंस और मुझे काफ़ी कुछ साइंस में करना था। तो भैया मैंने लिया डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ये सारी चीज़ें मैंने पढ़ी और 12th के बाद मैंने इस कॉलेज में टॉप किया और वहीं से मुझे पैसे मिले और उस पैसों से मैंने एडमिशन ले लिया पुणे के सबसे बेस्ट कॉलेज में। और उस कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद कॉम्पिटिशन इस लेवल का था
और वहां पर अपनी लाइफस्टाइल को मैंने अलग ही चेंज कर दिया, बिकॉज मुझे पता था कि अगर उस कंपटीशन में मुझे लोगों को फेस करना है, उस कॉलेज में अपना नाम बनाना है, तो सबसे पहले मैं दिखता कैसा हूं, आपका अपीयरेंस कैसा है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैंने अपने लाइफ की वो चीजें चेंज करी, अपने बोलने के स्किल्स की वजह से मुझे काफी ज्यादा एक लाइमलाइट मिला, काफी ज्यादा लोग में हाईलाइट हो जाया करता था, कॉलेज के काफी सारे कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया करता था, तो सारे टीचर्स के नजरों में भी आ गया। फिर उसी कॉलेज से मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया जो कि पुणे में है, पुणे यूनिवर्सिटी से मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, टॉप 10 में भी रहा, और उसके बाद अब मैं अपनी मास्टर्स की डिग्री सेम उसी कॉलेज से कर रहा हूँ। उस कॉलेज का नाम क्या है वो मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि बहुत से लोग जानते भी हैं, अगर आप लोग जानते हो तो कमेंट कर दो। तो ये सबसे पहला एक कॉमन क्वेश्चन था कि आप कहाँ से हो, क्या करते हो, आपके लाइफ की स्टोरी का मैंने बस एक ओवरव्यू दिया है, इसके अंदर की डीप स्टोरी बहुत लंबी है, किसी दिन पक्का आऊंगा और बताऊंगा उसके बारे में भी। तो सबसे पहला ये कॉमन क्वेश्चन था, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। सेकेंड कॉमन क्वेश्चन है कि आप लोग मुझसे पूछते हो कि आपके मोटिवेशन कौन है, तो इसी से रिलेटेड मुझे गेमिंग चैनल ने क्वेश्चन किया है कि आपको हिंदुइज्म के लिए अवेयरनेस फैलाने की मोटिवेशन कैसे मिली, लाइक कोई इवेंट या कोई आई ओपनर थिंग, बिकॉज मोस्ट ऑफ द लोग आजकल इग्नोर ही करते हैं हिंदुइज्म को। थैंक्स फॉर मेकिंग वीडियोज, लव योर कंटेंट, थैंक यू सो मच, आपको मेरा कंटेंट और वीडियो भी पसंद आ रहा है, आई होप आप सभी को पसंद आ रहा होगा, तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर रहे हो। अब यहां पर आता है क्वेश्चन कि आपको मोटिवेशन कहां से मिली। सच बताऊं तो मुझे मोटिवेशन कहीं से नहीं मिली, क्योंकि मोटिवेशन ये चीज, इस शब्द से मुझे घृणा आ जाती है, पता नहीं क्यों, क्योंकि ये मोटिवेशन जो है लिमिटेड समय तक है। ये मेरा उद्देश्य था, ये मेरा लक्ष्य है कि सभी तक अपने सनातन का इतिहास पहुंचाना, और कोई आई ओपनर थिंग वैसे तो बहुत सारी चीजें हो गई है, लेकिन इसमें और एक चीज ऐड कर देना चाहता हूं कि आजकल जो शहर में बच्चे पल बढ़ रहे हैं उन तक धर्म की बात पहुंचाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। गांव घर में पढ़ रहा बच्चा, अक्सर आप लोग देखते हो गांव घर में रहने वाले धर्म से जुड़े रहते हैं, लेकिन शहर में पढ़ने वाले पता नहीं ये लोग अपने धर्म से इतना दूर क्यों है। और मैं गांव घर में ज्यादा रहा हूं, अपने मां बाप को गुरु मानकर जो धर्म की राह पर चलता है सही मायनों में धर्म की रक्षा वही करता है। आप लोग मुझसे पूछते हो ना कि धर्म की रक्षा कैसे की जाती है, तो धर्म की रक्षा ऐसे की जाती है मां बाप से धर्म का संस्कार लेकर। और किसी हिंदू परिवार में अगर आप जन्म लेते हो, और मैं एक ऐसे परिवार में जन्म लिया हूं जहां पर मेरे पिता ने अपने गोदी में बैठाकर मेरा जनेऊ, मेरा उपनयन, मेरा मूरन सब कुछ कराया है, तो ये धर्म की शिक्षा मैंने अपने मां बाप से ही ली है। तो ये मोटिवेशन कहो या फिर उसे लक्ष्य कहो, ये लक्ष्य की प्रेरणा जो है वो मुझे अपने मां पिता से मिली है, जाहिर सी बात है। और आई ओपनर थिंग तो ये बहुत पुरानी चीज नहीं है, ये यही कुछ 3-4 साल पहले की बात है जब मैं ये किसी अंग्रेजी स्कूल में गया, यानी कि मैं अपने डिग्री कॉलेज में गया, तो उसी कॉलेज के क्लासरूम के अंदर भी कई बार एथिस्ट वर्सेस रिलीजियस पर्सन के बीच में डिबेट्स हुआ करते थे। तो एथिस्ट के लॉजिक इतने बकलोल हुआ करते थे, मनो वो बोल रहा था कि मैं भगवान को नहीं मानता, और उसका नाम क्या था तो पूछो तो गणेश, वो कहता है कि मैं भगवान को नहीं मानता, नाम पूछो तो कहता है मेरा नाम शंकर। मतलब इनके माँ बाप भगवान को मानने वाले थे, लेकिन उनके माँ बाप कहीं ना कहीं कम पड़ जाते हैं अपने बच्चों तक अपने सनातन का धर्म का ज्ञान पहुंचाना, इसलिए बच्चे का नाम गणेश होता है, लेकिन फिर भी ये बच्चा कहता है कि मैं भगवान को नहीं मानता। तो ऐसे शहरी के जो कीड़े होते हैं, ये शहरी बच्चे जो होते हैं, इन तक धर्म की ज्ञान नहीं पहुंचते हैं, और अपने आप को इंटेलेक्चुअल बताकर, अपने आप को कॉन्वेंट की पैदाइश बताकर इनको गर्व महसूस होता है कि भैया हम तो एथिस्ट हैं। लेकिन एथिस्ट होना और धर्म से घृणा करना ये भिन्न भिन्न चीजें हैं, मैंने आप लोगों को अक्सर बताया है। तो मैंने अपना ये उद्देश्य ठान लिया कि एटलीस्ट मेरे कॉलेज के अंदर, मेरे सराउंडिंग में जो बच्चे हैं उन तक मैं धर्म की बातें पहुंचाऊं। फिर उसके बाद कई ऐसे रिलीजन बंदे थे, कई ऐसे मजहबी बंदे थे जो भी मेरे धर्म से घृणा करते थे, लेकिन बाद बाद में ऐसी हालात आए कि वो भी मेरे धर्म के बारे में जानने के लिए उत्सुक थे। तो भैया धर्म परिवर्तन कैसे किया जाता है, किसी को सीखना है तो पर्सनल मुझसे आकर क्लासेस ले ले, बिना किसी धर्म को गाली दिए, बिना किसी मजहब को गाली दिए, रिलीजन को गाली दिए, आप अपने धर्म के बारे में लोगों को बता सकते हो। और यही चीजें मैंने अपने रील्स वीडियो और शॉर्ट वीडियोज के जरिए सब लोगों को बताना स्टार्ट किया, जो कि आज आप लोग देख रहे हो और आज आप लोग पसंद भी कर रहे हो। तो यही था आपका आंसर कि मैंने जो मोटिवेशन मिली वो अपने माँ बाप से मिली, और मेरा जो आई ओपनर थिंग था वो अपने क्लासरूम के बच्चों को देखकर था कि ये बच्चे धर्म में मेरे हैं लेकिन अपने धर्म से घृणा करते हैं। तो इन्हीं चीज़ों को बदलने के लिए मैंने इस मुहिम को हाथ में ले लिया और मेरे इस जर्नी का आरंभ हो गया, यही कुछ 3-4 साल पहले। तीसरा क्वेश्चन हमसे महत्वपूर्ण पूछा गया है कि जो छोटे बच्चे हैं वो थोड़ा ध्यान से सुने, और छोटे बच्चों से मेरा कहने का मतलब है कि जो कि 15, 16, 17, 18, 19, 20 साल के जो बच्चे हैं वो इस क्वेश्चन को ध्यान से सुने। उन्होंने पूछा है कि भैया हमें ऐसा टाइम टेबल बताओ जिससे हम अपनी पढ़ाई भी कर सके और साथ ही हमारे धर्म ग्रंथ भी पढ़ सके। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सही मायनों में आजकल जो बच्चे हैं वो अपने धर्म ग्रंथ को पढ़ना चाहते हैं, लेकिन वो काफी ज्यादा बड़ा होने की वजह से हम अपने कॉलेज के बुक्स को पढ़े या फिर स्कूल के बुक्स के पढ़े या फिर अपने धर्म ग्रंथ को पढ़े टाइम नहीं मिल पाता। टाइम मैनेज कैसे करें, तो मैं कैसे टाइम मैनेज करता हूं, सिंपल से मेरा फंडा है कि मैं सुबह 4 बजे उठता हूं। हो पाएगा आप लोगों से? नहीं हो पाएगा तो नहीं पढ़ पाओगे, अगर हो पाएगा तो पढ़ पाओगे।
चार बजे सुबह उठकर चार से सात तक मैं रोज पढ़ता हूं। अभी कुछ दिनों से मेरा कुछ टाइम टेबल जो है वो बिगड़ा हुआ है, लेकिन आने वाले समय में कुछ ही दिनों बाद मैं अपना टाइम टेबल सही कर लूंगा। तो सुबह चार बजे जैसे उठने से पहले ही, मतलब चार बजे अगर पढ़ने बैठ रहे हो तो साढ़े तीन बजे उठना है, नहा सुना के ब्रह्म मुहूर्त जिसे कहा जाता है उस ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ना आरंभ करता हूं। सात बजे तक सारा पढ़ के खत्म हो जाता है, उसके बाद मैं सीधे कॉलेज के लिए तैयार होता हूं। पूरा दिन कॉलेज का, अपना ऑफिस का सारा चीजें संभाल कर शाम होते होते 9-10 बजे तक मैं सो जाता हूं। ये सारी चीजें दिन भर की दिनचर्या होती है। आपको रोजाना 3 से 4 घंटे जो आप मोबाइल में यूज करते हो, जो आप खेल अलग अलग चीजों में यूज करते हो, खेलना इंपॉर्टेंट है, मैं वो बोलने वाला था, खेलना ही इतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जितना आपका बौद्धिक विकास है, उतना ही शारीरिक विकास भी होना चाहिए। शारीरिक विकास और बौद्धिक विकास जिसे ही हमारे धर्म ग्रंथ के अंदर कहा जाता है शास्त्र और शस्त्र, तो दोनों चीजों के लिए समय निकालना आपके हाथों में ही है। अधिक से अधिक समय अपने आप के साथ बिताइए। अगर आपका आयु जो है वो 20 साल से कम है तो ज्यादा से ज्यादा समय आप अपने आप को दीजिए, ना कि सोशल मीडिया हैंडल्स को। हम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हमने अपना समय पहले यानी कि पिछले कई सालों से अपना सारा समय किताबों को दे दिया है, और उन किताबों में से जो पढ़ा है वो आपको सोशल मीडिया पर देना है, इसलिए अभी हम लोग थोड़ा ज्यादा सोशल मीडिया का यूज करते हैं। तो ये मेरा पूरा टाइम टेबल है, ज्यादा से ज्यादा अपने आप को समय देना। गर्वित भाई ने हमसे पूछा है आपके टॉप 3 फेवरेट यूट्यूबर्स। वैसे तो बहुत सारे फेवरेट यूट्यूबर्स हैं, लेकिन उनमें सबसे पहले स्थान पर आते हैं सत्य सनातन के आचार्य अंकुर आर्य जी। उसके बाद आते हैं थैंक्स भारत के राहुल आर्य जी। थैंक्स भारत के राहुल आर्य जी काफी वर्षों से, यानी कि लगभग 1-1.5 वर्षों से वो गायब है, वो दिख नहीं रहे यूट्यूब के ऊपर, पता नहीं कहां पर है, लेकिन वो हमारे मोस्ट फेवरेट यूट्यूबर है क्योंकि उनके उनसे मुझे काफी कुछ सीखने को मिला। और उनके बाद पॉलिटिकल हो या फिर धर्म का ज्ञान हो, मुझे आचार्य अंकुर आर्य जी से भी सीखने के लिए मिला है। उसके बाद AKTK भी आता है, उसके बाद स्ट्रिंग चैनल आता है, कई सारे द हिंदू कैफे, द लिबरल हिंदू है, ऐसे बहुत से यूट्यूबर्स हैं जो कि सही मायने में आपको धर्म सिखाते हैं। तो वेल, ये मेरे फेवरेट यूट्यूबर्स हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मुझसे पूछा गया है, ये कह रहे हैं कि हाउ मेनी व्याख्यान्स यू हैड डन एंड फ्रॉम व्हाट एज डिड यू स्टार्टेड टू डू प्लीज। अब इनका कहना यह है कि मैंने कौन से उम्र में आयु के अंदर व्याख्यान देना स्टार्ट किया। वेल, महाराष्ट्र के अंदर जब मैं आया था तो महाराष्ट्र में मैंने मेरा सबसे पहला जो स्पीच था वो मैं 6th स्टैंडर्ड में था तब मैंने दिया था। 6th स्टैंडर्ड से लेकर 10th स्टैंडर्ड तक मैंने केवल स्पीच कॉम्पिटिशन किए थे। 11th स्टैंडर्ड में जब मैंने रामायण महाभारत को पढ़ा तो डेट थी 19 फेब 2016, और 2016 के अंदर मैंने अपना पहला बड़ा व्याख्यान दिया था जिसके अंदर लगभग हजारों लोग आए हुए थे, और एक छोटी सी आयु के अंदर मैंने वहां पे जाके व्याख्यान दिया था, धर्म की बात बताई थी, धर्म का ज्ञान दिया था। उस व्याख्यान के बाद अब तक मैंने लगभग 750 से ज्यादा व्याख्यान किए हुए हैं ऑल ओवर महाराष्ट्र के अंदर, गुजरात के अंदर, यूपी के अंदर भी, दिल्ली के अंदर भी हो चुका है, बिहार के अंदर होना बाकी है, आशा है आगे जल्दी भी हो जाएगा। इसी क्वेश्चन के साथ रिलेटेड और एक क्वेश्चन है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि आप सोशल मीडिया के ऊपर वीडियो बनाते हैं लेकिन ग्राउंड रिपोर्ट पे क्या। ग्राउंड लेवल के ऊपर भी काफी काम चल रहा है। जो लोग नहीं जानते उनको बता दो कि मैं केवल सोशल मीडिया पर अब आया हूं, मतलब 1-2 साल से देख रहे हो आप लोग मुझे, लेकिन इससे पहले भी हमारा जो काम है वो ग्राउंड लेवल पर चल रहा है। और कहने में गर्व महसूस होता है कि मैं उनके अपना काम नहीं बताऊंगा और ना ही बताऊंगा कि कैसे करता हूं। मेरे कुछ लोग हैं जो जुड़े हुए हैं मुझे हर राज्य से अंदर से, और हर राज्य के द्वारा आज कहने में गर्व महसूस होता है कि 300 से ज्यादा परिवार को हमने वापस अपने सनातन धर्म के अंदर लाया है। एक छोटी सी आयु के अंदर अगर आप लोग ये सब स्टार्ट करते हो तो बहुत बड़ी बात होती है। इसलिए मैं आप लोगों को बच्चा 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 इसलिए कहता हूं 18-19 साल के बच्चों को, क्योंकि इस उम्र के अंदर, इस आयु के अंदर उबाल बहुत रहता है रक्त का, और गुस्सा बहुत आता है। हमें लगता है कि धर्म के लिए कुछ करना है तो सीधे तलवार लेकर निकल जाना है, नहीं। मैंने एक चीज सीखी अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बताना चाहता हूं, एक एज अ बड़ा भाई। अगर आप लोग मुझे एक बड़ा भाई समझते हो तो मैं आपको एक हाथ जोड़ के नम्र निवेदन करना चाहता हूं कि भैया, धर्म के कुछ लिए करना चाहते हो तो सबसे पहले अपनी पर्सनल लाइफ के अंदर, ध्यान से सुनना, अपनी पर्सनल लाइफ के अंदर जितना ज्यादा सक्सेसफुल हो सकते हो उतना ज्यादा सक्सेसफुल हो जाओ। क्योंकि जब तक तुम अपने पर्सनल लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो, जब तक तुम कह लो ना सीधे सीधे गरीब हो, तब तक तुम्हारे बात को वजन नहीं आता। और ये सत्य है, सर्वथा सत्य है। तुम्हारे देह के ऊपर देखने वाले कपड़ों से लेकर तुम्हारे विचारों को लोग जज करते हैं। केवल तुम्हारे विचार अच्छे होने से कुछ नहीं होता, तुम अपनी पर्सनल लाइफ में कितना ग्रो कर पाए हो उससे तुम्हें जज किया जाता है। और छोटे जो 10th 11th 12th के बच्चे हैं जो अभी भी सनातन धर्म को लेकर सोशल मीडिया के ऊपर गाली गलौज करना, झगड़ा वगड़ा करना, इनसे दूर रहो। जितना हो सके ज्ञान लो, और ज्ञान के बलबूते पर लोगों से डिबेट करना स्टार्ट करो, और अपने आप को आगे बढ़ाओ, अपने लाइफ में सक्सेस पाओ, जो कि आज मैंने खुद को बनाया है। खुद को एक सक्सेस की श्रेणी में लेके गया हूं, तब जाकर बड़े से बड़े लोगों के सामने अपने बात को निडरता के साथ रख सकता हूं, क्योंकि आज मेरे पास जो चाहिए वो है। और यही चीजें मैंने कई सालों से सीखी है। मैं नहीं चाहता कि आप लोग ठोकर खाकर सीखो, मैं चाहता हूं कि आप लोगों को जो मैंने ठोकर खाई है
वो ठोकर आप लोग को ना मिले, मेरे एक्सपीरियंस के द्वारा मैं आप लोग को ये बताता हूं कि भैया अपने लाइफ में सक्सेसफुल हो जाओ, और मैंने अपने लाइफ में ये चीजें करी है जो आपको बता रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा है मैथिली रॉय जी ने, ये पूछ रहे हैं, आई जस्ट हैव एन अर्नेस्ट रिक्वेस्ट टू यू, आई जस्ट वॉन्ट अ डिबेट बिटवीन असदुद्दीन ओवैसी एंड यू सर, बिकॉज ओवैसी रियली नीड्स इंटेलेक्चुअल पर्सन लाइक यू टू रेक्टिफाइज हिज रॉन्ग हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन। जय श्री राम। आप लोग को याद होगा कि मैंने कुछ समय पहले, यानी कि आज से 6 महीने पहले, एक वीडियो बनाया था जिसके अंदर असदुद्दीन ओवैसी क्लेम करता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज के सेना के अंदर 57% मुसलमान थे, जो कि वो सारी झूठी चीजें हैं। मैंने उस वीडियो के अंदर पूरा एक्सपोज करा हुआ है, चलो मैं लिंक भी डाल देता हूं कॉमेंट सेक्शन के अंदर, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आप जाके वो पूरा वीडियो भी देख लेना। और एक चीज है आप लोगों से ना, मैं सीधे आंसर करता हूं, कोई भी अगर आप लोग कहे कि छत्रपति शिवाजी महाराज सेक्युलर थे, तो उनसे बस एक प्रश्न करें, छत्रपति शिवाजी महाराज के ज्येष्ठ पुत्र कौन? धर्मवीर छत्रपति श्री संभाजी महाराज। अब धर्मवीर छत्रपति श्री संभाजी महाराज ने अपने पिता को कितने क्लोज से देखा होगा, जितना हम अपने पिता को जानते हैं। अब हमें बताइए कि छत्रपति धर्मवीर संभाजी महाराज ने जितने क्लोज से छत्रपति शिवाजी महाराज को देखा होगा, क्या उतना ही क्लोज से ये हिस्ट्री की बातें बताने वाला असदुद्दीन ओवैसी ने देखा होगा? नहीं ना। तो आप किसकी बात पर विश्वास रखोगे, कौन बोलेगा तो आप विश्वास रखोगे? जाहिर सी बात है, धर्मवीर छत्रपति श्री संभाजी महाराज। तो धर्मवीर छत्रपति श्री संभाजी महाराज ने छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम उल्लेख करते हुए उन्हें क्या कहा था? म्लेंचक क्षय दीक्षित, ऐसा वर्णन उन्हें अपने धर्म ग्रंथ के अंदर बुद्धभूषणम के अंदर किया गया है। म्लेंचक क्षय दीक्षित का अर्थ होता है जिसने मुसलमानों को मारने की दीक्षा ली हो, जिसने म्लेंछों को मारने की दीक्षा ली हुई। यह किसने कहा था? धर्मवीर छत्रपति श्री संभाजी महाराज ने। और असदुद्दीन ओवैसी क्या कहता है? छत्रपति शिवाजी महाराज सेक्युलर थे, छत्रपति शिवाजी महाराज किसी धर्म के विरोध में नहीं थे। जाहिर सी बात है, छत्रपति शिवाजी महाराज के सामने सिर्फ एक चीजें थी कि सामने जितने भी है मुगल सेना, उस मुगल सेना में हिंदू भी शामिल थे। हमारे अंदर गद्दारों की कमी थोड़ी ना है, आज भी बहुत से है, उन गद्दारों को पहले खत्म करो और उसके बाद ये परकीय सत्ता जो है, यानी कि जितने मुगल थे, आदिल शाह थी, फ्रेंच था, डच था, पुर्तगालीज थे, इन सभी को खत्म करना ही हमारा धर्म है। धर्मो रक्षिति रक्षितः, इसे ही कहा जाता है। तो छत्रपति शिवाजी महाराज को लेकर और एक चीज है कि कुछ लोग भी ये कह रहे हैं कि एक कमेंट मुझे आया था सुन के और पढ़ के, बहुत गुस्सा भी आया, इन्होंने कहा कि आप केवल छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में ही बताते हो, आप छत्रपति शिवाजी महाराज को और धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज के इतिहास को लेकर ही बातें करते हो, अन्य राजा और अन्य हिंदू समाज का क्या? सिंपल सी बात है, क्या एक लॉजिक आपको समझ में आ रहा है? कई साल लगते हैं किसी भी इतिहास को पढ़ने में, उससे कई ज्यादा साल लगते हैं उस इतिहास को समझने में, और जब तुम समझ जाते हो तब वो कला अवगत करने में और साल लगता है, और उसके बाद आप बता सकते हो असल में इतिहास क्या है। ऐसा नहीं कि आज इतिहास पढ़ा और कल आपके सामने वीडियो बना दिया। अगर मुझे महाराणा प्रताप जी के बारे में वीडियो बनाना है, अगर मुझे मेरे पृथ्वीराज चौहान जी के बारे में वीडियो बनाना है, मुझे किसी भी अपने हिंदू राजा के बारे में वीडियो बनाना है, तो मुझे सालों पहले स्टडी करनी है, तब जाकर वीडियो बना सकता हूं। और मैंने अपने सालों दिए हैं महाराष्ट्र के अंदर छत्रपति शिवाजी महाराज को लेकर, धर्मवीर शंभू राजे को लेकर, उसके बाद में वीडियोस बना रहा हूं। तो ऐसा ना कहिए कि शंभू राजे और छत्रपति शिवराय को लेकर ही आप वीडियो बना रहे हो, अन्य राजाओं का क्या? अन्य राजाओं के प्रति भी वीडियो आएंगे। ऐसा नहीं कि हिंदू समाज इन राजाओं को बांटने का काम कर रहा है, इन्होंने ही एकत्र करने का काम कर रहा है। और असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोग इस इतिहास के अंदर घृणा लाते हैं, इतिहास के अंदर सेकुलर पंथी लाते हैं, तो इन जैसे लोगों से 3 या 4 क्वेश्चन भी पूछ लो तो इनके फटके 14 हो जाएगी, 4 नहीं कहूंगा क्योंकि 14 हो जाएगी, 2014 से बहुत लोगों की फटके हो चुकी है। इसलिए इनके साथ अगर डिबेट होता है तो आप लोग, इनके जैसे विचारों वालों के साथ भी डिबेट होता है तो डरने की आवश्यकता नहीं है। 3 से 4 क्वेश्चंस है, 3 से 4 क्वेश्चन में ही इन लोगों की फटके 14 हो जाती है। तो इन लोगों से डिबेट करना मतलब पत्थर के ऊपर जाके सर पटकना है, और इनके पास ज्ञान तो है नहीं, इसलिए इनके साथ डिबेट करके अपना लेवल हम कम नहीं करने वाले। और मैं चाहता भी नहीं हूं कि इनके साथ मैं कभी डिबेट करूं, क्योंकि डिबेट करने का मजा उनके साथ आता है जिनके पास ज्ञान हो, और इनके पास ज्ञान शायद ही होगा। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर केवल लास्ट 2 क्वेश्चन है जिसका मैं आंसर करूंगा, क्योंकि वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो चुका है और मैं ट्राई करूंगा कि नेक्स्ट पार्ट भी इसका निकाल सकूं। तो एक क्वेश्चन कहा गया है मिथिलेश जी के द्वारा कि माय क्वेश्चन इज, व्हाट इज योर हॉबी, प्लीज पिक माय क्वेश्चन। सिंपल सी बात है, मुझे ज्यादा से ज्यादा फोटोग्राफी पसंद है, मैं फोटोग्राफी के लिए पागल हूं और मुझे बहुत अच्छा लगता है फोटोग्राफी करना। साथ ही साथ मुझे ट्रैक करना बहुत पसंद है, मैं पहाड़ों पर काफी ज्यादा घूमता हूं। साथ ही साथ किताबें पढ़ना पसंद है और किताबों का ढेर लगाना पसंद है, तो ये मेरी हॉबीज है। और मेरा अब का ये जो Q&A सेशन है, इसका लास्ट क्वेश्चन जो पूछा है निषाद
अब ये टिकेश्वर निशा जी हैं, इन्होंने पूछा है कि हिंदू मुस्लिम करना कब छोड़ोगे आप। अब इसका एक वाक्य के अंदर उत्तर देना जाऊं तो जिस दिन हिंदुओं के प्रति घृणा दिखना बंद हो जाएगा और उसके अंदर उसके विरोध में किसी मिलेंच का हाथ नहीं होगा, उस दिन हम हिंदू मुस्लिम करना छोड़ देंगे। जिस दिन हिंदुत्व को लेकर गाली देने की भावना आपके मन के अंदर से हट जाएगी, उस दिन से हिंदू मुस्लिम करना छोड़ देंगे। जिस दिन से सनातन धर्म के भगवान को लेकर उनका मजाक उड़ाना बंद हो जाएगा, उस दिन से हम हिंदू मुसलमान करना छोड़ देंगे। जिस दिन से सनातन के इतिहास को माना जाएगा, उसे माइथोलॉजी कहकर उसका अपमान नहीं किया जाएगा, उस दिन से हिंदू मुसलमान करना हम छोड़ देंगे। जिस दिन से इस देश को आप लोग अपनी मातृभूमि समझकर इस देश को पूजन करोगे, उस दिन हम हिंदू और इस्लाम का विरोध नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग चाहते हैं वसुधे कुटुंबकम, और यही हमारा धर्म है। आज का Q&A सेशन यहीं पर खत्म होता है। आशा करता हूं कि आपको छोटा सा एक ओवरव्यू मिल गया होगा। लंबा सा वीडियो है लेकिन ज्यादा क्वेश्चन पिक नहीं कर पाया, उसके लिए क्षमा चाहता हूं। धार्मिक वीडियोस तो आते ही रहेंगे, अगले Q&A सेशन के अंदर मिलता हूं। तब तक के लिए सनातनियों, जय सनातन।